हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे DRDO सेप्टम के एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो DRDO सेप्टम आपका ANA वाला जो रिज़ल्ट है तो वो कब तक जारी होगा, क्या उसकी अपडेट है आज के दिन के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, आज है 7 जनवरी 2020 और इसकी जो है रिज़ल्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि टेक्नीशियन वालों का जो है रिज़ल्ट आया उसके बाद उनका 6 तारीख से जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 6 जनवरी से, और उसके बाद जो उनका एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 20 जनवरी से। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो PSU कंपनी का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे डिपार्टमेंटल भर्ती क्यों ना हो, चाहे अप्रेंटिस के लिए हो, चाहे ITI वालों के लिए हो, चाहे डिप्लोमा के लिए हो, यानी कि हम सभी क्षेत्र से सभी प्रकार जितनी भी जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट की, सिर्फ और सिर्फ हम स्पेशली गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा जो है लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अदर वालों पे कम ध्यान देते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए सारे फॉर्म्स जो है कलेक्शन आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पे। और यहाँ पे आपको देते हैं स्टडी मटेरियल, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, कैसे आपको स्टडी करनी है, पूरी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, आपको करना होगा स्मार्ट नौकरी चैनल पे जाकर ज्वाइन बटन पे क्लिक। जी हाँ दोस्तों, आप ज्वाइन पे बटन पे जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ व्हाट्सअप पे 24 आवर्स रह सकते हैं। आपको जो भी नोट्स चाहिए, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस डिपार्टमेंट का आपको नोट्स चाहिए वो आप हमें मैसेज के थ्रू हमसे ले सकते हैं, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो है 20 जनवरी को जो होने वाला है टेक्नीशियन वालों का, जी हाँ टेक्नीशियन ए वालों का जो है उनका होने वाला एग्ज़ाम स्टार्ट, और ये एग्ज़ाम जो चलने वाला है वो लगभग चलेगा 2 से 3 दिन। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 दिन तक जो आपका एग्ज़ाम चलेगा, चलो हम 23 तक, जी हाँ 23 तारीख तक ये मान कर चलते हैं कि 23 तारीख तक जो है इनका एग्ज़ाम चलने वाला है। और 23 जनवरी के बाद, जी हाँ दोस्तों, 2 दिन का आप जो है और एक्स्ट्रा इसमें हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, उसके बाद 25 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, ये 25 जनवरी का जो डेट है वो है आपका ANA वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ANA वालों के लिए इसका ये डेट इसलिए क्योंकि इनका जो है CBT 1 का जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी होगा 25 जनवरी के बाद से। जी हाँ दोस्तों, यानी 25 तारीख के बाद से किसी भी दिन, यानी 25 की शाम तक, सुबह तक, या 26-27 किसी भी दिन जो है ANA वालों का जो है एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम का रिजल्ट आने का। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बच्चों ने जो है कमेंट किया था कि सर ANA का रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो आएगा आपका एक्सपेक्टेड 25 जनवरी के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स मिल चुके होंगे, बट कुछ भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग रिजल्ट को लेके, आपके कट ऑफ को लेके, आपको जिस कट ऑफ के बारे में बात करनी हो या जानना हो, तो आप वीडियो के नीचे, जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपके जो है कट ऑफ के रिगार्डिंग जो भी आपको न्यूज़ या फिर जो कुछ भी आपको चाहिए रहेगा वो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड कर देंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके भी जो है डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।